हेलो गाइस, बीएसटीसी 2022 के कॉलेज एलोमेंट लेटर जारी हो चुके हैं। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कॉलेज एलोमेंट लेटर किस तरह डाउनलोड करना है, उसके बाद में आपको अपनी जो प्रवेश शुल्क है वो किस तरह जमा करवानी है और किस तरह प्रोसेस रहने वाला है, सारी जानकारी लेंगे। दोस्तों मेरे साथ मेरी वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें जिससे किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ना छूट पाए। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं अपन आ चुके हैं पंजीयक परिदृश्य 2022 की साइट पर। यहाँ पर अपन साइट पे आ चुके हैं, होम पेज ओपन हो चुका है और बहुत सारे समय है जो इंतजार कर रहे थे स्टूडेंट और जिनका फाइनली यहाँ पर आज जारी हो चुका है। अब अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट राउंड है वो शेड्यूल जारी हो चुका है। देख पा रहे हैं यहाँ पर बताया गया था कि जो आपकी शुल्क देने वाली है 13,555 रुपये, जो ई मित्र या डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जमा करवा सकते हैं, जो आपको 17 से 22 जनवरी के मध्य आपको फीस जमा करवानी है। ये आपकी कॉलेज आवंटित होती है तो आपको प्रवेश शुल्क जमा करवानी है, उसके बाद में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी होगी। अब आपको कॉलेज है जो आपके स्वयं की जो लॉगिन आईडी बनी हुई है पासवर्ड, उसके माध्यम से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है और वहाँ पर आपको कॉलेज आवंटित मिल जाएगी और वहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जो कि 17 से 23 जनवरी के मध्य कंप्लीट करना है, और आपको रिपोर्टिंग है जो 17 से 24 जनवरी के मध्य कंप्लीट करनी होगी। और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है जिनको 17 से 25 जनवरी के मध्य अपने दस्तावेज सारे यहाँ पर सत्यापित करवाने होंगे, उसके बाद में आपका कॉलेज के अंतर्गत जो कंफर्म एडमिशन हो जाएगा 17 से 25 जनवरी के मध्य अपने को प्रोविजनल प्रवेश शुल्क स्लिप मिल जाएगी। ये तो दोस्तों शेड्यूल था। यहाँ पर आपको अपना अलॉटमेंट लेटर निकालने के लिए जो कैंडिडेट लॉगिन आईडी बनी हुई है वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर दोस्तों बहुत एरर चल रहा है कारण कि बहुत सारे स्टूडेंट इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं। अभी अपने आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के लॉगिन हो जाना है। आपको वहाँ पर अपना जो कॉलेज आमंत्रित का लेटर है वहाँ पर शो हो जाएगा और वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो अपलोड कर दें, उसके बाद में अपना लेटर निकाल सकते हैं और उसके बाद में आपका सालाना भी जनरेट हो जाएगा जो 13,555 रुपये का है। और अगर आप कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके बाद में सेकेंड राउंड थर्ड राउंड निकलेगा और फाइनली सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपने जो काउंसलिंग करवाई थी वो फीस रिफंडेबल है, वो फीस आपको रिफंड हो जाएगी। तो दोस्तों आप अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अभी टेक्निकल एरर चल रहा है कारण कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी जैसे अभी लेटेस्ट एलोमेंट लेटर जारी हुए हैं तो आप यहाँ कल तक यहाँ आप सारों को कॉल जनरेट लेटर जारी हो जाएंगे। ऐसे पेटिलर समय जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।